वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्रिएट करने वाले हैं अ गोल्डन ब्राउन मेकअप। इस वक्त जो आप देख रहे हो ये लुक आज हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। सो विदाउट डू एनी फर्दर डायरेक्टली गेट स्टार्टेड। सो मैंने अभी अपना स्किन केयर कंप्लीट किया है और स्किन केयर करने के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ ये प्राइमर। और प्राइमर को मैं टी जोन पे अप्लाई करके पूरे फेस पे स्प्रेड कर रही हूँ। प्राइमर अप्लाई करने के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ ये कलर करेक्टर। ये पीच शेड में है और जहाँ जहाँ हमको डार्क सर्कल है या डार्क पिगमेंटेशन है हम लोग इसे वहाँ अप्लाई कर रहे हैं। मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। कलर करेक्टर आप जब भी यूज कर रहे हैं ये ध्यान रखिए कि आप बहुत ज्यादा कलर करेक्टर यूज ना कर ले ताकि वो आपके फाउंडेशन से बाहर ना जाके। और कलर करेक्टर अप्लाई करने के बाद आपको फटाफट उसे ब्लेंड करना है क्योंकि ये थोड़ी देर में ड्राई होने लगता है। इसके बाद हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ये मैक स्टूडियो का फाउंडेशन। और इसे हम लोग डैम ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करेंगे। फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ ये फिट मी का कंसीलर और मेरा शेड है 25 मीडियम। और इसे भी हम लोग सेम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे। अब हमने जहां जहां भी कंसीलर अप्लाई किया है उसे मैं इस लूज पाउडर से फिक्स कर लूंगी। कंसीलर अप्लाई करने के जस्ट बाद आपको इसे पैक करना है ताकि उसमें क्रीज ना आए। मैं इस क्लीन ब्रश से सारा एक्स्ट्रा पाउडर हटा दूंगी। इसके बाद हम लोग कर रहे हैं आई मेकअप। और आई मेकअप के लिए आज मैं ये मियोन की कलर पैलेट यूज करने वाली हूँ। इस पैलेट के सारे शेड शिमर हैं और आज हम लोग इसमें से ये ब्राउन गोल्ड टाइप का शेड यूज करने वाले हैं और इससे मैं अपने रिंग फिंगर से अपनी आई लिड पर अप्लाई करने वाली हूँ क्योंकि जब आप शिमर शेड हाथ से अप्लाई करते हो तो बहुत ही अच्छे से अप्लाई होता है। तो इससे मैं अपनी पूरी आई लिड पर अप्लाई कर रही हूँ। अब इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अपनी क्रीज पे ताकि इसमें पैचेस ना दिखने लग जाए। और सेम शेड हम लोग नीचे वाले आई लिड के बाहर की तरफ लगा रहे हैं। ये ब्रश में अच्छे से आ नहीं रहा है सो इसे हाथ से अप्लाई कर लेंगे। बट ध्यान रखना जब भी आप नीचे वाले आई लिड के बाहर कलर अप्लाई कर रहे हो आई शेड अप्लाई कर रहे हो तो अपनी सबसे छोटी फिंगर यूज करना क्योंकि आप बड़ी फिंगर से अप्लाई करोगे तो वो नीचे की तरफ सारा कलर आ जाएगा। अब इसे हम लोग मिला लेंगे नीचे और ऊपर वाले कलर में। इसके बाद मैं ले रही हूँ ये ग्लैम 21 की आई शेडो पैलेट और इसमें से हम लोग ये वाला मेट शेड ले रहे हैं।
और इसे मैं ऊपर की तरफ अप्लाई कर रही हूँ, जहां हमारा ये शिमर शेड खत्म हो रहा है इसके जस्ट ऊपर की साइड। ये दोनों कलर अच्छे से मर्ज हो जाए और यहाँ पे ऐसे अलग से पैचेस ना दिखे। इसके बाद हम लोग इस पैलेट से ये गोल्डन शेड ले रहे हैं नामा, और हम लोग इसको जस्ट आई बॉल के ऊपर अप्लाई करेंगे। इस फिंगर पे कोई कलर नहीं है तो हम लोग इससे से अच्छे से मर्ज कर देंगे। और इसके बाद हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ये मस्कारा। इसके बाद हम लोग कर रहे हैं हमारी आईब्रोज, और आईब्रोज के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं कलर बार की पेंसिल। आई मेकअप के बाद हम लोग अप्लाई करने वाले हैं ब्रॉन्जर, और उसके लिए मैं ये कलर पैलेट यूज करने वाली हूँ, और इसमें से मैं ये वाला शेड यूज करने वाली हूँ। और ब्लश के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं ये मिस क्लेयर के ब्लशर के। इस पैलेट से हम लोग ये शेड यूज करने वाले हैं जो हमारे मेकअप के अकॉर्डिंग जाएगा। तो ये ब्लश थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका ब्लश ज्यादा अप्लाई हो गया तो उस पर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट अप्लाई कर लीजिए सेम ब्रश से, बहुत ज्यादा नहीं बहुत थोड़ा सा। इसके बाद हम लोग अप्लाई करने वाले हैं हाइलाइटर, और उसके लिए मैं यूज करती हूँ ये मैलियो की मूनलाइट मैजिक पैलेट। ये शेड ले रहे हैं, और लिप्स के लिए हम लोग अप्लाई करने वाले हैं लैक्मे एब्सोल्यूट की ये लिपस्टिक। इस लिपस्टिक के ऊपर मैं थोड़ा सा एक ब्राउन शेड मिक्स कर रही हूँ ताकि हमारा मेकअप लुक पूरा एक जैसा दिखे। तो मैं सोच रही हूँ कि फॉल्स लैशेस अप्लाई करूं, बट लेट्स सी हम लोग अप्लाई करते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलना, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।